कि मतलब आपको फैमिली वाले से डर है कि वो आप लोग को मार पीट ना दे। मैडम आप कौन से कास्ट के हो? ठाकुर। अच्छा, और आप भाई के? सर भैया मैं राजपूत हूँ भैया। अच्छा, तो मतलब एक कास्ट के भी मतलब भाई शादी कर लिया हो, तुझे रखने का तक का वो ढंग नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे हो भाई? काम भर का पढ़ लिया हूं। आपके साथ कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार आपके घर वाले होंगे। आप इसमें साफ सीधे बोल दो कि कुछ भी होता है तो आपके जिम्मेदार होंगे आपके पिता और आपके भाई होंगे। आगे हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे फादर और मेरे ब्रदर दोनों ही जिम्मेदार होंगे। तो घर नहीं जाना है भाई, तो तुम्हारे माँ बाप के ऊपर केस हो रखा है। और भैया आप ही लोग फोन किए थे? नमस्ते। नमस्ते मैं कह रहा हूँ शादी कर ली है भाई। अच्छा बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन शादी करने के लिए। और मिठाई उठाई कब खिलाओगे? खिला दूंगा भैया। अच्छा अब एक बात बताइए, क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत यही है, मतलब ये प्रधान का लड़की है, ठीक है भाई। हाँ। मैं शादी कर लिया हूँ, मैं अब ये घर नहीं जा सकती, मेरे घर मैं अपने भी घर नहीं जा सकता, मेरे घर वाला रखेंगे नहीं हम लोग अपने मर्जी से शादी किए हैं। बताओ अब हम क्या करें, क्या करें, इसीलिए हम लोग शादी करके आराम से बैठा हूं। तो आपके तो एज तो आपकी तो 17 साल है और आपका एज तो क्या बोलते हैं 26 साल है, तो फिर ये कैसे शादी कैसे कर लिया आप लोगों ने? हम लोग एज देख के प्यार ने एज देख के मतलब तो ये चक्कर में आपके भैया से आपको डर है कि मतलब आपके भाई और पापा मिलके मार ना दे आपको? हैं? तो फिर बताइए आप क्या कर सकते हो इसमें, मैं आपके क्या हेल्प कर। तो आप ये कहना चाहती हो कि वीडियो में एक वीडियो बनाना चाहती हो जिसमें आप ये बता सको कि अपने मर्जी से शादी वादी की हो। कुछ भी होता है आपके साथ तो कौन जिम्मेदार होंगे? हम खुद जिम्मेदार होंगे, खुद हम लोग जिम्मेदार हैं। मतलब आपके साथ अगर किसी को होता है तो आपको किससे डर है? किसी भाई से है, पापा से है। और घर में फैमिली से है अभी, और किसी से नहीं है। आपके मतलब आपको फैमिली वाले से डर है कि वो आप लोग को मार पीट ना दे? ठीक है मैडम, आपका पूरा नाम क्या है? अच्छा आपका क्या, आपका क्या नाम है? ऋतिक नाम है भैया। अच्छा कहाँ के रहने वाले हो भैया आप लोग? लक्ष्मी नगर के। अच्छा लक्ष्मी नगर के, यूपी के रहने वाले हो? हाँ। अच्छा जी, तो मतलब आप लोग तो फिर रहोगे कहाँ पे? वही तो हम लोग वही तो बैठे हैं, हम लोग सोच रहे हैं, मतलब अब सोच रहे हैं कहाँ जाए कहाँ ना जाए। शादी तो करने के लिए कर लिया हूँ लेकिन अब ये देखो वन पीस में। मैडम आपको ठंडा नहीं लग रहा इतने ठंड मौसम में? बताओ भैया हम तो ऐसे ही निकले थे बस, अब घर से भाग के शादी कर ली आप लोगों ने। तो एक बात बताइए, तो मतलब घर और से किससे डर है? आपके पिताजी प्रधान है? हाँ। अच्छा, और आपके पिताजी क्या करते हैं भाई? वो तो जॉब करते हैं मतलब। अच्छा वो जॉब करते हैं। हाँ। तो भाई मतलब शादी करने को तो अपने घर वालों को क्यों नहीं मनाया? मानते नहीं ना, मानते नहीं था। मतलब पहले बोला था कि हम लोग शादी करेंगे। अच्छा आप किस कास्ट के हो? मैडम आप कौन से कास्ट के हो? ठाकुर। अच्छा, और आप भाई के? सर भैया मैं राजपूत हूँ भैया। अच्छा, तो मतलब एक कास्ट के भी मतलब। तो आप एक बात बताइए मैडम, तो आपको अपने भाई से और उससे डर है? अच्छा इनके में आपने ऐसा क्या देख लिया, कब से प्यार करते हो एक दूसरे से? हम लोग साल डेढ़ साल से मतलब चलता है। साल डेढ़ साल से, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने वीडियो आप लोग की बना ली है, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ये वीडियो प्रूफ के तौर पे मैं यूट्यूब पे नेट पे डाल देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है। आपके भाई भाई का कॉल आता है, फोन धमकी उमकी देते हैं? आपके भाई भाई का कॉल आता है? भाई का कॉल आता है, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। उसने भी धमकी दी थी, कहाँ है जो बोलते हैं मतलब जो जब दिख जाएगी ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अच्छा मतलब मारने की सीधे धमकी दे रखा है? मारने होने का धमकी इनका भाई वही देता है। अच्छा तो ठीक है मैडम, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको, आप इतने कम एज में शादी कर लिए भाई, आप तो 17 साल के हो। वही तो मैं एज देख के मैं हम लोग शादी नहीं किया हूँ भैया। इंस्टाग्राम से मिले, प्यार हो गया इंस्टाग्राम पर, मतलब SMS से। अच्छा ऑनलाइन मिले थे आप लोग? अच्छा कैसे मिले थे एक बार बताओगे? इंस्टाग्राम पर मैसेज ऐसे करके मतलब तुमने मैसेज किया था इनको? हाँ, तो फिर मैसेज का आपने रिप्लाई दिया मैडम? अच्छा फिर इस तरह का आप मिले जुले, घर वाले कुछ कर ना दे? हैं भैया बस यही तो प्रॉब्लम है सारी, वरना घर नहीं चले जाते हम यहाँ के बैठ। अच्छा तो कब तक इस तरह बाहर भटकोगे इस तरह, कब तक घर? कभी 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 ना कभी तो घर जाओगे? नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही जॉब करते हैं हम, लक्ष्मी नगर में रह लेंगे। बस ये डर है कि हमारे पीछे अगर हमें कुछ होता है या इन्हें कुछ होता है तो मेरे घर वालों पे पहले जाए। अच्छा मतलब ये चीन है, कोई ना। तो मैडम कोई बात नहीं है डरने वाली इसमें, ठीक है। जैसे आपकी एक वीडियो बना लिया गया है और आप वैसे भी आप तो बालिक हो तो आप अपने मर्ज से किसी से भी शादी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पिताजी का क्या नाम है? सतीश नाम है। सतीश नाम है। और आपके भाई का क्या नाम है? सोहन। भाई सोहन और सतीश जी सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है। लड़की आपकी है बालिक, ठीक है, और आप लड़के के घर वालों पे झूठा केस कर रखे हैं तो ये केस ले लीजिए वापस, वरना जेल में आके लड़की क्या उनका बयान देगी फिर ये वैसे भी छूट जाएंगे, ठीक है भाई। ये चीज़ें गलत है, लड़की बालिका अपने मन से शादी कर सकती है, ठीक है। तो भाई एक बात बता,
इसको रखेगा कहाँ पे? शादी तो कर लिया, इसको रखेगा कहाँ पे? रूम को ही देख रहा हूँ, मतलब दोस्तों के मतलब कुछ फोन ऑन कर रहा हूँ, मतलब जो भाई शादी कर लिया हो तुझे रखने का तक का वो ढंग नहीं है। पहले तो कहाँ रहोगे मैडम, रहोगे कहाँ रात में? मंदिर पे आके हम देखो भैया, मंदिर पे आके बैठे हैं हम लोग। ठीक है, मैंने भी अपनी फ्रेंड से बात करी है, उसका भी रूम है, उसकी चाबी मैं ले लूंगी। तो अब हम आप तो कुछ टाइम तो लक्ष्मी नगर ही रह लेंगे हम उसके फ्लैट पे, क्योंकि वो चली जाएगी, फिर उसके बाद देखते हैं धीरे धीरे दोनों। मैडम ऐसे कैसे काम चलेगा, आप लोग खुद बताओ, इतने बड़े समझदार हो के इस तरह की हरकतें आप लोग कर लिए। भैया तो बताओ क्या करें हम, फैमिली हमारी मानती नहीं। फैमिली मानती नहीं तो कम से कम उनको मनाने की कोशिश करते। अब बहुत कोशिश की है भैया, नहीं मानती है फैमिली। वो लड़का जिसके भरोसे आप भागे हो, बना के खिला देगा आपको, खिला पिला देगा। शादी की हो तो भाई तो मेहनत तो जाहिर सी बातें करना पड़ेगा। देख रहा हूँ पहले रूम वूम ले लेके, अब इतनी सुंदर बीवी लेके तो है? अरे वो बात नहीं है भाई, पेट पालने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो नौकरी वोकरी ढूंढूंगा कहीं। नौकरी ढूंढ लो, और उसके बाद से आप कितने तक पढ़े लिखे हो? मैंने भी ऐसे ही करी है। आप कितने पढ़े लिखे हो भाई? काम भर का पढ़ लिया हूं। इंटर पढ़ रखे हो तो क्या नौकरी आपको क्या मिलेगी आप बताओ, क्या नौकरी मिलेगी? हम करेंगे ना दोनों एक साथ करेंगे कहीं। ठीक है जैसे भी हो, मेरा तो आशीर्वाद है कि आप लोग दोनों साथ रहो, अच्छे से रहो, खुशी से रहो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी ना है। ठीक है, बाकी ये वीडियो बन गई है, आपके कुछ भी होता है ना मैडम, आपके साथ कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार आपके घर वाले होंगे। आप इसमें साफ सीधे बोल दो कि कुछ भी होता है तो आपके जिम्मेदार होंगे आपके पिता और आपके भाई होंगे। आगे हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे फादर और मेरे ब्रदर दोनों ही जिम्मेदार होंगे। अच्छा, आप जिससे शादी की हो उसके घर वालों को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? मेरी फैमिली होगी, क्योंकि भाई उन्होंने ही कराया, जो किया है मैंने तो कुछ किया नहीं है ना, हम तो प्यार करते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो मैडम? भैया मेरी कास्ट जो है इनसे बड़ी है, ये छोटी कास्ट के हैं। अच्छा, और मेरे भाई ने धमकी दी है कि अगर मुझे कहीं भी दिक्कत है तो दोनों को ही मार दूंगा। अच्छा, हमें बस इतनी मदद चाहिए कि आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो भाई मारने के लिए मतलब इनके घर के लोग धमकी धमकी देता है कि मतलब वो छोटे जात का है, उससे क्यों शादी होती। तो एक बात बताओ मैडम, तो इसके घर वाले लड़के के घर वालों को तो इस टाइम पर जेल हो रखी है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ये क्या कहते हैं बस इन्होंने उल्टा केस बनाने की है कि अब मिल जाएगा कि बेटी को, मेरे बेटी को लेके भागा है। अच्छा, तो तुम्हारे घर वालों के ऊपर तो जेल हो रखा है ना, तो आप कुछ बोलना चाहोगे इसके मामले में? पुलिस वाले भी तो देखेंगे ना ये वीडियो। कुछ नहीं बोलना है, क्या हम लोगों को घर जाना ही नहीं है। तो घर नहीं जाना है भाई, तो तुम्हारे माँ बाप के ऊपर केस हो रखा है, यहीं से कुछ करेंगे मतलब। यहाँ से कैसे करोगे, जो करना है लड़की करेगी। मैडम एक बात बताओ, जबरदस्ती से आपके घर वालों ने इस लड़के इसके माँ और बाप के ऊपर केस कर रखा है कि मेरे बेटी को भगा के लेके गया है? तो नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, जब तो हम आपसे वीडियो बनवा रहे हैं ना कि प्रूफ के तौर पे कि आप ये दिखाओ पुलिस को। हम लोग अपनी मर्जी से कर रहा हूं, अपनी मर्जी से रहते हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। तो भाई तेरे माँ बाप को तो जेल हो गई है भाई। जेल हुआ तो फिर वही तो मैं तो तुम लोगों को कोर्ट में जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तब तो जाके ये सब कुछ फ्री हो गए। रहने का तो कुछ जगह बना ले, उसके बाद से तो कोर्ट उठ जाएंगे। तो भाई रहने के लिए तो एक बात बताओ, रहने के लिए कहाँ रहोगे? एक बात बताओ, कुछ पैसे वैसे हैं आप लोग के पास? पैसा तो कुछ का है, कुछ मतलब कुछ है कुछ नहीं है, कुछ मेरे फ्रेंड से जुगाड़ हो जाएगा। मैं किसी इतना तो हम कर सकते हैं अपने लिए ना भैया। इसका मतलब गहना होना है, कुछ बेचूंगा भैया। अच्छा, तो इसके गहने बेचोगे आप? तो क्या करूंगा भैया, हम लोग का पैसा हम कम से कम भागे थे तो घर से कुछ पैसे वैसे लेके कुछ नहीं लिया था, मेरे पास में 1000-2000 रुपया था, इनके पास में मतलब 1000-1500 इसके पास में था। तो कुछ घर से पैसे वैसे लेके तो भागते, मतलब क्या करता, चोरी तो हम लोग कर नहीं सकते। अच्छा एक बात बताइए, आप इंस्टाग्राम पे मैडम, इंस्टाग्राम पे इस भाई ने सबसे पहले मैसेज किया था या आपने मैसेज किया था? मैंने फोटो डाली थी, इनका लाइक मैसेज आया था, उसके बाद से फिर मतलब बातचीत स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो आपने मतलब लाइक वाइक फोटो वोटो किया था और फॉलो रिक्वेस्ट भेजा था? हाँ जी। अच्छा, तो फिर तब से मतलब प्यार वार हो रहा है, कब से ये चल रहा है? मतलब साल डेढ़ साल चल रही है। साल डेढ़ साल? हाँ। अच्छा, तो सही है यार, आप लोग का भी तो सिस्टम बढ़िया ही है। तो मतलब इसी चीज का डर है मैडम आपको, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वीडियो तो आपकी बन गई है। ठीक है, हम कुछ लास्ट बार बोलना चाहते हो? अगर भैया कुछ भी प्रॉब्लम होती है इनके साथ या इनकी फैमिली के साथ, तो उसके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे भाई और भाई पे और पापा पे जाएगी, क्योंकि वो ही कर रहे हैं, उनको ही प्रॉब्लम है। गाइस जितना उजार करना, ठीक है, ये लड़की अपने मर्जी से शादी की है, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया, वो लड़का भी इसको लेके भागा नहीं है, बेचारी की जिंदगी बच जाए और अच्छे से रहे, खुशी से है भाई, इज्जत से रहो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रहते आप मुझे कॉन्टेक्ट नंबर ले लो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे मिल लेना, बाकी अगर रही रूम वूम चाहिए होगा तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना। ठीक है।